इतनी बारिश हुई, आप लोग टिके रहे, मुझे लगता है पहले से और दो चार लोग ज़्यादा हैं। हालांकि मेरा हमेशा यकीन ये रहा है कि दुनिया बदलने के लिए हमें सिर्फ चार दीवाने चाहिए, और यहाँ तो 40 से ज़्यादा दीवाने हैं। यहाँ जब मैं आ रही थी तो बार बार जिक्र हो रहा था, ट्विटर पे आप देखें तो ट्रेंड कर रहा है कि कैसे जो शाहीन बाग है वहाँ लोग 500 रुपए के लिए जा रहे हैं, बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं, बच्चों को भी किराए पे लिया जा रहा है। तो इस ट्विटर के ट्रेंड, मोदी मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, मैं ट्वीट करने वाली थी, बीच में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिला, मैं कहने वाली थी कि तुम्हारा प्रोपेगेंडा 2019 तक चलता था, अब जब से जनता ने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है तब से तुम्हारी बात अब कोई नहीं मानता। और अगर ये सही नहीं है तो मुझे बताइए आप में से एक भी कोई ऐसा है जो ये मानता है कि 500 रुपए में लोग बिक रहे हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या बच्चे किराए पे दिए जा रहे हैं? क्या आप बिरयानी खाने वहां जाते हैं? और इसकी एक और मिसाल सबसे बड़ी बात है कि मोदी मीडिया अपने हजारों करोड़ के बजट और दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया स्ट्रक्चर होने के बावजूद, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पूरी दुनिया में नहीं है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तादाद में पत्रकार जितने दुनिया में नहीं, मतलब दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं है जितने भारत में है, उसके बावजूद भी अगर आज हम CAA NRC के विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं, जो कि मोदी मीडिया ने हमें ये बताया कि ये आपके भले के लिए है, हमारे फायदे के लिए है, ये इंसानियत के लिए है, इसका किसी एक तबके या भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, अगर उनके प्रोपेगेंडा को हमने हरा दिया है इसका मतलब मोदी मीडिया हार चुका है। बहुत पहले दिल थोड़ा सा कमजोर होता था, लगता था कि जैसे हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, रोज वीडियो बनाते हैं, रोज एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई देखिए CAA प्लस NRC ये पूरा एक तरह से लीथल कॉम्बिनेशन है, ये सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि हमारी आवाज़ शायद पहुंचेगी नहीं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हजारों लाखों लोग भारत की सड़कों पर इस वक्त जमा हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारी आवाज़ धीमी ज़रूर है लेकिन बहुत मजबूती के साथ लोगों के पास पहुँच रही है। और आप विश्वास करिए पहले से कहीं ज़्यादा, क्योंकि 2019 के नतीजे आए और ऐसा लगा कि शायद, जिसे ऑल्टरनेट मीडिया कहा जाता है, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए कि मुख्य धारा का मीडिया कौन है? क्या मुख्य धारा का मीडिया वो है जहाँ देश का किसान, देश का मजदूर, आदिवासी, दलित, मुसलमान, महिलाएं, युवा, ये सब अपना प्रतिनिधित्व नहीं पाती? क्या अभी भी उसको हम मुख्य धारा का मीडिया कहेंगे? मैं इसे चैलेंज करना चाहती हूँ। मेरे जैसे मीडिया हाउसेस, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स, छोटी छोटी वेबसाइट्स जो 30-35 लोग चलाते हैं मिलकर, 3,000 लोग नहीं, कुछ लाख के बजट पे चलने वाले लोग, जो जिस भी तरह से होता है किसानों की आवाज उठाते हैं, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, ग्रामीण भारत की, तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो ये नॉमिनक्लेचर ही हम बंद करें, ये हम बंद करें कहना कि वो मेन स्ट्रीम है, हम मेन स्ट्रीम है, आप मेन स्ट्रीम है, क्योंकि मेन स्ट्रीम वो है जहाँ भारत का सबसे गरीब तबका, मुझे पत्रकारिता के स्कूल में पढ़ाया गया था कि आप जो हैं वो बे आवाज की आवाज़ हैं। मुझे पूरी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी को मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, अमित शाह जी को मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, अंबानी को मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, अडानी को मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी को मेरी आवाज़ की ज़रूरत है। मैं वहाँ पहुँची और ये जानने की कोशिश की कि पिछले 5-6 साल में जो एक मुस्लिम महिला की जो एक इमेज, जो छवि तैयार करने की कोशिश की इस सरकार ने, दूसरे कार्यकाल का पहला कानून पास किया 3 तलाक को लेके, कि 3 तलाक असंवैधानिक होगा ये तो हम सभी मानने को तैयार हैं, और मुझे लगता था कि आज़ाद भारत में शायद सबसे पहले, और मैं इसके लिए जजों को, अदालतों को, मौलवियों को, सबको जिम्मेदार ठहराती हूँ कि आज़ाद भारत में सबसे पहला काम, सबसे पहले कामों में से जो एक होना चाहिए था वो ये कि 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे देना चाहिए था। वहां तक बात ठीक है, लेकिन फिर उसको उन्होंने क्रिमिनलाइज करने की बात की कि हम अब जेल भी भेजेंगे, तो इससे उनकी मंशा पता चल गई कि वो, उनको मुस्लिम महिलाओं से कितनी हमदर्दी है और वोट बैंक की राजनीति वो कितना करना चाहते हैं। लेकिन उससे अलग अगर आप देखिए तो एक मुस्लिम महिला की जो इमेज थी वो थी एक ऑप्रेस्ड महिला की, एक ऐसी महिला जो 3 तलाक से पीड़ित है,
जो सुबह निकाह होता है शाम को तलाक होती है, हलालत जैसी प्रैक्टिसेस होती हैं वो स्कूल कॉलेज नहीं जाती, वो वर्किंग वूमन नहीं है, वो आप ना उसे कॉलेज में देखते हैं, ना ही उसे आप ऑफिसेज में देखते हैं, ना ही वो एक एक नॉर्मल जो भारत की सामान्य महिला है उसके जैसी नहीं है, बल्कि उसका जीवन जो है वो सिर्फ तलाक और निकाह में उलझा हुआ है, यही उसके मुद्दे हैं। कल मैं जब शाहीन बाग गई, और उससे पहले जामिया का जिक्र करना चाहती हूँ कि कैसे दो महिलाओं ने और उनके साथ दर्जनों महिलाओं ने इस देश के 140 करोड़ लोगों का डर निकाल दिया। उन दो अप्रेस महिलाओं, वो दो अप्रेस महिलाएं जो अपने पुरुषों के अधीन ही जुल्म सह रही थी, जिनकी अपनी कोई कैपिटल नहीं थी, तो आप ये देखिए कि जो 5-6 साल में मेहनत से हजारों करोड़ मीडिया में खर्च करके जो एक इमेज तैयार की, वो 2 घंटे के अंदर दो लड़कियों ने ध्वस्त कर दी, और न सिर्फ अपने आप को डर से आजाद किया बल्कि 140 करोड़ लोगों को हमेशा के लिए डर से आजाद कर दिया। क्योंकि एक बात आप समझिए, एक तानाशाह को सबसे ज्यादा इस बात से डर लगता है कि लोग अब उससे नहीं डर रहे हैं, और देश के सबसे गरीब, सबसे कमजोर लोग, गुंडा पार्टी, मैं समझ रही हूँ कौन लोग हैं नहीं, और मैं जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार ने एक इतिहास रचा है। वो इतिहास ये है कि देश की संसद के दोनों सदनों से कानून पास कराकर अब इस तरह की रैलियों की जरूरत पड़ रही है उन्हें, ये भी देश के, ये भी देश के इतिहास में जो है पहली बार हुआ है। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा, खबर में देखा कि लोग जो हैं वो टोपी लगा के ट्रेनों पे हमला कर रहे हैं। मुझे ट्रेनों पे हमला करने से ज्यादा समस्या इस बात पे हुई कि वो टोपी जो नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं पहनी, आखिर उनके भक्तों को क्यों पहननी पड़ रही है। तो चलिए, इस इतिहास के अलावा मैं ये कह रही थी कि जो डर भी, डर किसके दिल से निकल गया है? डर उनके डर दिल से निकल गया है जो इस देश के सबसे गरीब, अनपढ़, बेसहारा लोग हैं। और आज डर किनको लग रहा है? जिनके पास पुलिस है, जिनके पास जांच एजेंसियां हैं, जिनके पास सरकार है, जिनके पास हमारे टैक्स का सारा पैसा है, आज वो डर रहे हैं, हम नहीं डर रहे हैं। तो इसलिए उनको डर लग रहा है। शाहीन बाग की औरतों का मैं जिक्र कर रही थी, उन आंखों में मैंने देखा, आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे मेरी रिपोर्ट देखेगा, आप यकीन जानिए कि मेरे पास भी इतना समय नहीं था कि मैं हर महिला से बात कर सकती। उसमें से एक महिला कम से कम मेरे पास आई। उस महिला को मुझसे बात करनी थी, बार बार वो दूर से आके मुझे हाथ दिखा रही थी, मैं उसका हाथ नहीं देख पा रही थी, मैं कैमरे के सामने बोल रही थी। वो मेरे नज़दीक आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा, पहले मुझसे मेरा माइक छीना और कहा मुझे बोलना है। थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ कपकपा गए। उसने जिस मजबूती के साथ, लंबी छोड़ी बहुत मेरे ख्याल से 100 किलो से ज्यादा वजन रहा होगा जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा, थोड़ी देर के लिए मैं हिल गई। उसके बाद अगले 12 मिनट तक उसने वो माइक मुझे वापस नहीं किया। उसकी आंखों में गुस्सा था, जुनून था, लेकिन एक भाव नहीं था, डर। और ये वो महिलाएं हैं जो कभी अपने घर से नहीं निकली। ये वो महिलाएं हैं जो शायद सब्जी लेने जाती रही होंगी, तब भी उनके पति और उनके भाई, घर के पुरुष देखते रहे होंगे कि इतनी देर से क्यों लौटी है सब्जी लेके। लेकिन इस पूरे आंदोलन में न सिर्फ कि हम ये भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में वो चीज़ें भी हो गई हैं जो शायद दशकों के समाज सुधार आंदोलनों से होती, जैसे महिलाओं का सड़कों पर आ जाना। क्या आपको लगता है कि नॉर्मल हालात में जो जेंडर राइट्स की लड़ाइयाँ जो पीछे हट रही थी, हम 5-6 साल में देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है कि हम महिलाओं की बराबरी की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, हम किसानों की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, मजदूरों की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, अभी फिलहाल हम फांसीवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से महिला अधिकारों को लेकर भी जो लड़ाई है, जो सबसे ऑप्रेस्ड लड़कियां, सबसे ऑप्रेस्ड औरतें जिस तरह से NTCA और NRC मूवमेंट को लीड कर रही हैं, मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहना चाहती हूँ कि जैसे मजाज ने कहा था कि उन औरतों ने अपने आंचल को परचम बना लिया।
मुश्किल हो रहा है मेरे लिए यहाँ पहचान पाना कि आप कपड़े ठीक से नहीं पहन के आए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि जो नारे लगा रहे हैं वो लोग वो कौन कौन लोग हैं। अब की बार जो है थोड़ा सा पहचान करके आइए, क्योंकि ये पहचान जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है ये पहचान? नेताओं के लिए और खासकर जो खानों की राजनीति करते हैं, जो सेक्शंस की राजनीति करते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है। आसान क्या होता है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, हिंदू महिलाएं बिंदी लगाती हैं, हिंदू पुरुष टीका लगाते हैं, मुस्लिम पुरुष टोपी पहनते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं। उनको समस्या ये हो जाती है जब एक मुस्लिम महिला हिजाब भी नहीं पहनती और साड़ी पहन के आ जाती है, तो उनके लिए समस्या ये होती है कि उनके सिलेबस से बाहर है ये बात। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।